चलो 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 बच्चा लोग, वेरी गुड वेरी गुड। हमारी माँ बेटी जिंदाबाद। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ रे, हाथ उठाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। खटाल के छात्र नौजवान जिंदाबाद। खटाल की एकता जिंदाबाद। खटाल से जो टकराएगा, खटाल से जो टकराएगा। क्या ये नगर सर, बाबू ठीक है? दौरा तो लग रहा है। एक बात बताइए, सबसे पहले ये मुख्यमंत्री जी का दोष क्या था? अरविंद केजरीवाल जी का दोष क्या था? इतनी बड़ी घटना घटी, 8,000 बच्चियों के साथ पिता और बेटा दोनों यौन शोषण किया, बाप और बेटा मिलकर, उसके वीडियो बने। एक बार गलती से नहीं, बात तो सही थी, नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा कि बच्चा क्यों ज्यादा पैदा होता था, क्यों नहीं होना कम होता है, उसको लेके देश के पीएम ने मध्य प्रदेश में बवाल मचा दिया। और आज 8,000 बेटियों का शोषण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इनकी कोई भी ऐसी दिलचस्पी, इनके साथ जितने ऐसे लोग हैं ब्रजभूषण से, सारे खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। अब भ्रष्टाचार में आप हमारे मुख्यमंत्री को कहते हो, भ्रष्टाचार में येदुरप्पा से बढ़ के, हाँ, और जो आप पर आरोप इतने लगे हैं, सारे आरोप अस्त्र शस्त्र खरीदने से लेकर सारी घटनाएं लगातार बार बार गरीबों की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास। भैया, झारखंड सुरक्षित कब होगा? झारखंड सुरक्षित तब होगा जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी देश का नेतृत्व करेंगे। जो झारखंड की आवाज ही नहीं है, आदिवासी गरीब मातों भीम मला निशा तियर केवट कुमार कमार पासवान राम भुइया, ये जो हम लोग जय भीम जय जवाहर जय अंबेडकर जय बिरसा, जो हम लोग का नारा है जय बिरसा जय अंबेडकर जय भीम जय मीम, ये कब सुरक्षित होगा? ये जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है कांग्रेस नेतृत्व का, और इकोनॉमी के अलावे दूसरी बात नहीं होती। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम आपको 5 चीज देंगे, हम आपको हर महीने इतना रुपया दे देंगे कि आपको गलत अनाज लेने की जरूरत महसूस नहीं पड़ेगी। हर महिलाओं को बहुत क्लियर उनका 5 कॉन्सेप्ट है, और उस 5 कॉन्सेप्ट इनका क्या कहना है कि नहीं, तुम कुछ भी करो हम तुम्ही दोनों भाई बहन को गाली देंगे, मंगल सूत्र सोना। अब इनको ये पता ही नहीं है देश की शहादत में महात्मा गांधी से लेकर और सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल से लेकर नेहरू जी इंदिरा गांधी और राहुल राजीव गांधी जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी की जो शहादत है, IIM से लेकर IIT, नवोदय से लेकर के सेंट्रल, एम्स से लेकर के, ये जितना आप कंप्यूटराइज सिस्टम देख रहे हैं ये सारा राजीव गांधी जी के तो देन है। आप कोई 10 सालों के अंदर कोई एक संस्था का नाम बताओ, मनरेगा किसकी देन है, अनाज ने शुरुआत किसने की थी,
मनरेगा को सबसे ज्यादा गाली बीजेपी ने दिया, और आज मनरेगा नहीं होता तो देश के गरीबों की हालत क्या होती। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो मनरेगा लाया गया, या ये जो बिजली विद्युत परियोजना है राजीव गांधी विद्युत परियोजना, या ये जो इंदिरा आवास है, या कल्याण छात्रावास, इसके बावजूद भी तो भाजपा कहना के 400 पार होगा, उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये पूछना चाहते हैं उससे, अभी तक तीन कल चुनाव हो जाएगा, ना जमीन पर हवा है, ना महिलाओं के बीच हवा है, महिलाएं महंगाई को लेकर के परेशान है, युवा बेरोजगारी और जेब में इकोनॉमी नहीं है उसको लेकर के परेशान है, पलायन को लेकर परेशान है, किसान MSP को लेकर के परेशान है, झारखंड का आदिवासी और गरीब सारा पैसा यहाँ से कैपिटलिस्ट पूंजीपति 10 रुपये में ले जाता है और लाखों रुपया कमाता है, करोड़ों रुपया कमाता है, हमारी संपत्ति यहाँ से जबरदस्ती ले जाता है सेंट्रल, GST हमको यहाँ मिलती नहीं है, जितना हम देते हैं झारखंड के लोग उससे ज्यादा तो झारखंड के व्यक्ति पर कर्ज हो चुका है। ये कर्ज किसने किया? 10 साल से आप लगातार हैं और आप गाली दे रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी, गाली दे रहे हैं राजीव जी और इंदिरा गांधी को, नेहरू को, जिन्होंने देश के इतिहास को वर्ल्ड में कहां से कहां पहुंचा। ये बताया जाता है कि